है। जैसा कि आप यहाँ पे पीछे में देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा सा पंडाल लगाया गया। वेलकम बैक इन आवर न्यू ब्लॉग, और फिर से आपका दोस्त सहलाज में आपके साथ है। और आज का जो वीडियो है कि अपडेट वीडियो है, बिकॉज श्रावण का महीना शुरू हो चुका है और साथ ही साथ श्रावणी मेले की भी शुरुआत हो चुकी है। और इसी महीने में बहुत सारे लोग जो बोलबम या डाकबम करते हैं, ऐसे श्रद्धालुओं के लिए, ऐसे कांवड़ यात्रियों के लिए रास्ते में, क्योंकि उनको काफ़ी लंबी दूरी तय करके जल लेकर के आना पड़ता है और बाबा गरीबनाथ मंदिर में जाकर के जल का चढ़ावा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए रास्ते में किसी तरह की तकलीफ और परेशानी ना हो, तो ऐसे लोगों के लिए हर जगह जगह पे स्टॉल या फिर टेंट लगाकर रहने की, खाने पीने की और हर तरह की सुविधा, जो उनकी मेडिकल सुविधाएँ भी उनको दी जाती है। और इसी में अपने शहर मुजफ्फरपुर का जो आरडीएस कॉलेज का जो मैदान है, ये बहुत बड़ा स्पॉट है जहाँ पे कांवड़ यात्रियों के लिए एक बहुत ही अलग तरीके से इंतज़ाम किया जाता है और उनको हर वो सुविधा और फैसिलिटी मुहैया कराई जाती है ताकि उनको किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। आरडीएस कॉलेज मैदान में आप देख रहे हैं, मैं हूँ अभी अपने रामदयालू नगर आरडीएस कॉलेज मैदान में, और यहाँ पे देख सकते हैं श्रावणी मेले के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है और अभी अंदर में काम चला, बहुत बड़ा टेंट लगाया गया है। अभी अंदर में चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ फैसिलिटी दी गई है और कितना बड़ा स्पेस है और क्या क्या कुछ वहाँ पर सुविधा मिलने वाला है और कितना कुछ है। अलग अलग से सारे सेपरेट जोन बनाए गए हैं, लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग, सारे सेपरेट जोन बनाए गए ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आरडीएस कॉलेज के मैदान में ना हर साल जो भी श्रद्धालु आते हैं या फिर जो भी कांवड़िया लोग आते हैं, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे पूरा एकदम भरपूर व्यवस्था होता हो, तो उनके रुकने ठहरने का और मेडिकल सुविधा भी यहाँ पे दी जाती है, खाने पीने की सारी चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे पीछे में देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा सा पंडाल लगाया गया और अंदर में पूरा बहुत अच्छा स्पेस दिया गया ताकि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आए वो आराम से रुक सकते हैं और हर चीज़ की फैसिलिटी दी गई है। बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया, एकदम वाटरप्रूफ बनाया गया। अलग अलग कक्ष बनाया गया, जैसे यहाँ पे सहायता कक्ष है, उधर पानी के लिए बनाया गया, इधर स्टेज बनाया गया। सोने का, लैट्रिन बाथरूम, दवा पानी का सारा व्यवस्था, मनोरंजन का भी व्यवस्था किया गया। यही देना चाहिए कि यहाँ आए और अपना इसका शांतिपूर्वक ढंग से लोग व्यवस्था है और आनंद ले, व्यवस्था यहाँ मिलेगी बम के लिए। सारा व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है, पर्यटन विभाग पिरामिड फेवकॉन सोनपुर सारण की ओर से करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। तो गैज ये था आज का एक हमारा अपडेट वीडियो जो कि श्रावणी मेले से रिलेटेड था और साथ ही साथ जो सहायता कक्ष बनाए गए हैं कांवड़ यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, ऐसे लोगों के लिए एक अपडेट वीडियो था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब और साथ साथ शेयर जरूर करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फिर लाइक देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।